हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज आपको सिखाते हैं टॉलरेंस इन डायामीटर। ठीक है, जो एमएस का बार हो, जो एमएस बार होता है, जो सरिया होता है, उसमें भी टॉलरेंस होता है डायामीटर में। आपने देखा होगा जो अक्सर जो टेस्टिंग होता है, रेनफोर्समेंट जो आपका टेस्ट होता है, सरिया साइड पे टेस्ट भी करते हैं, उसका डायमीटर भी टेस्ट करते हैं, उसका वेट टेस्ट करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जो आपका जो सरिया साइड पे आ रहा है, उसका भी टॉलरेंस हो सकता है? जो उसका टॉलरेंस होता है, जैसे कि सपोज कीजिए 12 mm का डायमीटर है, तो 12 मीटर के डाय में कितना mm का मोस कितना अगर 12 mm का डायमीटर उसमें लिखा हुआ है, तो वो क्या 11 mm तक जो उसमें टॉलरेंस होता है, कितना टॉलरेंस होता है? 11 mm होता है, फिर 11.5 होता है, कितना परसेंटेज उसका टॉलरेंस होता है? तो डिफरेंट में जो डायमीटर है, उसका जो टॉलरेंस होता है कितने mm तक होता है, विज एग्जाम्पल साथ बताऊंगा मैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो नई वीडियो अपलोड होगी आपको उससे मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं। जो तो टॉलरेंस होता है, उसमें देखते हैं कि डायमीटर, निभ्रियन डायमीटर, यहाँ पे लिखा हमने डायमीटर, तो 0 से 25 mm तक डायामीटर उसका जो टॉलरेंस रहता है, परसेंटेज रहता है, प्लस माइनस 0.5%, 0.5% तक। आपका अगर 25 mm का डायामीटर आपके पास सरिया का है, तो 25 से 24 mm हो सकता है, या फिर 23 mm हो सकता है, फिर 24 mm होता है, कितना mm तक टॉलरेंस होता है जो आप साइड पे यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, अगर आपके पास ये 25 mm का है, 25 से 35 mm तक का डायमीटर आपके साइड पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसका टॉलरेंस कितना रहता है? तो उसका जो टॉलरेंस रहता है, प्लस या माइनस 0.6, प्लस आपका 0.6% तक होता है ओनली, ये लास्ट लिमिट है, लास्ट लिमिट है ये प्लस माइनस होने की। आपका 6% आपका सपोज कीजिए 25 mm से 6% ये ज़्यादा हो सकता है, और 25 mm से ये 6%, 0.6% कम भी हो सकता है डायमीटर में, जैसे आप चेक करेंगे इसका डायमीटर वर्नियर स्केल से। ठीक है, वर्नियर होता है और पिजियोमीटर होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट आपका मीटर होता है। उसके बाद देखते हैं, अगर आपके पास डायमीटर है 35 से 50 mm तक, तो उसका टॉलरेंस रहता है प्लस माइनस 0.8%। ठीक है, अगर आप 50 mm का सरिया आप यूज़ कर रहे हैं, डायमीटर यूज़ कर रहे हैं रेनफोर्समेंट, तो उसका जो 50 mm का सरिया डायमीटर है, वो 50 mm से 51 mm भी हो सकता है, 52 mm भी हो सकता है, तो वो जो टॉलरेंस होता है कितनी लिमिट उसकी होती है? तो लिमिट होती है 0.8% से ज़्यादा नहीं होती है, और 0.8% से कम भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका प्लस होता है, हो सकता है इससे 50 mm से बढ़ सकता है, या 50 mm से नीचे घट सकता है, उसकी जो लास्ट लिमिट है 0.8% है। ठीक है, प्लस माइनस। अब देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने लेते हैं डायमीटर ऑफ द बार 8 mm का। क्लियर, सपोज कीजिए 8 mm का डायमीटर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायमीटर 0 से 25 mm, और परसेंटेज प्लस माइनस 0.5%। तो परसेंट देखते हैं इसकी, तो टॉलरेंस डाया क्या है, 8 × 0.5%, ये क्या 0.5% को गुना करेंगे तो 100 से। क्लियर, तो ये कितना आता है, तो इसको गुना करते हैं, तो प्लस माइनस, इसको कैलकुलेशन से हम इसको 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 बाहर करते हैं, इसको माइनस करते हैं, तो प्लस माइनस 0.04 mm। ठीक है, तो 0.04 mm का आपके पास ये क्या होता है, प्लस होगा 8 mm। तो 8 mm में आपका ये क्या आपका जो इतना डायमीटर, ये आपका प्लस भी होगा और माइनस भी हो सकता है लास्ट लिमिट तक। तो सेमी डायमीटर आपका 8 mm तक, जो टोटल डायमीटर है वो कितना हो सकता है, 8 माइनस करते हैं 0.04 से, तो 7.96, 0.96 mm होता है, ये लास्ट लिमिट है। अगर आपको इसको डायमीटर को चेक करेंगे, तो 7.96 mm तक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये आपका डायमीटर है। या फिर अगर इसमें प्लस करते हैं लास्ट ये आपका डिक्रीज है डायमीटर में, आयो इंक्रीज की लास्ट लिमिट कितनी तक डायमीटर हो सकता है, तो 8 + 0.04, तो 8.04 mm, तो ये कितना परसेंट हुआ, 0.04 mm का ये आपका चेक कर सकते हैं, तो इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर, तो अक्सर ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि टॉलरेंस कितना होता है डायमीटर में, कितना टॉलरेंस होता है वेट में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं कितना टॉलरेंस होता है वेट पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, तो डायमीटर ऑफ द बार आपका सपोज कि ये 30 mm का डायमीटर है, तो टॉलरेंस डाया कितना होगा, 30 × 0.6, बिकॉज 25 से आपका 35 mm तक कितना टॉलरेंस दे रहा है, 0.6%, 0.6% प्लस एंड माइनस। अगर हम देखते हैं कितना प्लस माइनस हो रहा है 0.6, तो 30 का हम करते हैं परसेंटेज 0.6/100, इसको दोनों कैलकुलेशन निकालते हैं, तो आता है 0.18 mm।
तो ये थर्ड टीम में ये आपका प्लस भी है एंड ये माइनस भी है परसेंटेज निकालने पे। तो ये आपका थर्ड टीम में आपका प्लस भी हो सकता है इतना, माइनस भी हो सकता है अगर आप उसका डायमीटर चेक करते हैं तो। क्लियर? तो सो डायमीटर ऑफ द बार में भी कितना हो सकता है अगर आप माइनस करते हैं तो 30 - 0.8 तो 29.82 मिलीमीटर डायमीटर आपका होता है। अगर हम इसको प्लस करते हैं, प्लस चेक करते हैं तो प्लस कितना होगा 30.18 मिलीमीटर, बिकॉज आपका डायमीटर है मिलीमीटर में, तो आप इतना आपका डायमीटर भी इतना भी हो सकता है, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक्स डायमीटर का टॉलरेंस है वो जरूर याद रखना कि कितना परसेंटेज में कितना होता है, कितना डायमीटर में कितना परसेंटेज टॉलरेंस होता है। उसके बाद देखते हैं थर्ड एग्जांपल। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल क्या कहता है, अगर आपके पास डायमीटर ऑफ द बार है 16 मिलीमीटर का, तो 16 का यहाँ पे देखते हैं डायमीटर लिखा हुआ है 0 से 25 मिलीमीटर तक है प्लस माइनस 0.5%, तो इसमें क्या हुआ 16 का डायमीटर आपके पास आ गया इसके अंदर ही। तो 16 मिलीमीटर टॉलरेंस डाय कितना है 0.5%, तो इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 0.08 मिलीमीटर आता है, 0.08 मिलीमीटर। सो डायमीटर ऑफ द बार अगर हम चेक करते हैं तो कितना होना चाहिए, तो अगर हम 16 में माइनस करते हैं तो 16 - 0.08 तो 15.92 आता है। क्लियर? ये आपका माइनस तक, ये लिमिट है, लास्ट लिमिट है माइनस तक आपको चेक करने पर, डायमीटर चेक करने पर। अगर हम प्लस में माइनस प्लस में चेक करते हैं तो 16 + 0.08 तो 16.08 मिलीमीटर तक ये टॉलरेंस आपका वो कहलाता है। क्लियर? तो कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है जो मैंने आपसे शेयर किए। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट्स है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं कि टॉलरेंस वेट पर कितना होता है, अगर आपको एक सरिया पर कितना वेट तक घट सकता है, कितना बढ़ सकता है, या फिर पूरे मंडल का वजन कितना होता है, कितना कम हो सकता है, उसके भी परसेंटेज बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे।